अब मैं आपको बताऊंगी तो मैं जाके क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले गई। जो LC यूनिवर्सिटी थी ना, वहाँ पे एडमिशन ओपन होंगे आफ्टर द रिजल्ट ऑफ मैट्रिक। ठीक है, ऑर्गेंजा का कपड़ा नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे हर वैरायटी है, लेकिन ऑर्गेंजा नहीं है जो मुझे चाहिए। कॉल करना है सामान। चांद रात के लिए मैंने एक थीम सोचा है, उसके लिए मैं ले रही हूँ ये फेरी लाइट्स और ये कैंडल। मैं कुछ अपने लिए वाइट कलर का कुछ सा देखना है, सिंपल में जैसे वो पर्पल लगा हुआ वायरलेस ट्राई। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, ठीक है, एक अच्छी और पॉजिटिव वाइब के साथ। तो आज है हमारा ऑलमोस्ट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 18 ऑफ रमज़ान फ्राइडे है। ठीक है, आज मुझे जाना है छोटी के लिए, एडमिशन ओपन हुए हैं कॉलेज में, उसकी इंफॉर्मेशन लेने जाना है, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह देखना है कि उसका क्राइटेरिया वगैरह देखना है। ठीक है, ऑनलाइन तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन आई वॉन्ट टू गो एंड फिजिकली मैं उसे देखना चाहती कि कितना क्राइटेरिया और कॉलेज कितना दूर है, रूट वगैरह। ठीक है, सो लेट्स गो, मैं रेडी होती हूँ जल्दी से और फिर निकलते हैं। सो बेसिकली 80% आपके पास मार्क्स होने चाहिए टू गेट एडमिशन इन एयर। और बट मेरी सिस्टर और मेरी कज़न एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, जो हैं हमारे नेबर्स की बेटी, उनके जो है रिसेंटली अभी मैट्रिक के पेपर हुए, तो हमें सुनने में आया था और जितना मुझे पता चल के ओपन हो चुके, मैंने कहा चलें लेट्स गो पता करते हैं और आप लोगों के लिए भी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। और जिन बच्चों ने अभी फ्री हुए मैट्रिक से और जो इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, तो काइंडली चेक करें, फिजिकली जाएँ या इंटरनेट से देखें जिस तरह आपको बेहतर लगता है। सो दिस इज़ द माई वे टू गेट इन दिस सिचुएशन, ठीक है, अपनी बहनों के लिए एडमिशन वगैरह देखने लिए। सो लेट्स गो, थैंक यू, अभी चलते हैं और फिर आपको देखते हैं। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ चेक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। 300 हो गए, 200 भी हो गए थे, हम रमज़ान के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ जल्दी से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और इस तरह की इन्फॉर्मेशन, फनी और मज़ेदार वीडियो आती रहेंगी। जो था वो स्कूल, वहाँ पे भी एडमिशन नहीं है, तो वी केम टू हेयर टू एडमिशन इन LC, तो वहाँ पे भी पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस है। सो लेट्स गो टू द होम, बाकी वहाँ पे जाके कंटिन्यू करते हैं। राज्य को बहुत ठंड लगती है, बहुत ठंड लग रही इसको, इसको बहुत ठंड लगी। हाँ राजे, जाजा आपको ठंड लग रही है? ओ सो अब मैं आपको बताऊंगी तो मैं जाके क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले गई। जो LC यूनिवर्सिटी थी ना, वहाँ पे एडमिशन ओपन होंगे आफ्टर द रिज़ल्ट ऑफ मैट्रिक। ठीक है, जब आपकी मैट्रिक का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके एक हफ्ते बाद या दो हफ्ते बाद फॉरन एडमिशन ओपन हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज दैट के जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन ओपन हो चुके हैं चंद कॉलेजेस में, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया था। और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो जस्ट कॉलेजेस बेस हैं, ठीक है, उनके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आप जाएं पता चल करें, फिजिकली जाएं, ऑनलाइन देखें। और जो थर्ड पार्टी है कि जो LC है या GC यूनिवर्सिटी है, जो कि यूनिवर्सिटी भी है और इंटरमीडिएट भी करवाते हैं, उनमें अभी एडमिशन नहीं ओपन हुआ है, जस्ट बिकॉज के वीक उनका क्राइटेरिया हाई होता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है नाम है गवर्नमेंट की है, सो इसी वजह से गवर्नमेंट उनके एडमिशन जो ऑनलाइन स्टार्ट होंगे। सो यही था इंफॉर्मेशन। बाकी PU का मैं लेकर आई थी, बाकी PU का तो आप सबको ही पता है, आई एम नॉट टू प्रेफर द PU कॉलेज। ठीक है, बाकी जस्ट फाइन है, आप जाएं अपनी इंफॉर्मेशन लाएं। और पीछे हमारे घर हो रही इफ्तारी की तैयारियाँ और आपको वो दिखाते हैं, यहाँ पर मेरे तोते मस्तियाँ कर रहे हैं। सो गाइस, बाय बाय।
कॉमजीट जिनके मार्क्स 80+ आ रहे हैं, 80% से प्लस आ रहे हैं और जिनके 80% है, ठीक है, डोंट मिस दिस चांस। ठीक है, अगर आपको एडमिशन मिलता है फॉर द गर्ल्स, ठीक है, वाप जाओ क्योंकि गवर्नमेंट की डिग्रियों का नाम होता है। ठीक है, अगर आप प्राइवेटली करना चाह रहे हो वो भी अच्छी बात है, जो आपको सूट लगता है, अगर आप के रूट फ्रेंडली हो, आप सफ़र कर सकते हो, ठीक है, तो आप मस्ट ये अपॉर्चुनिटी ना गंवाएं, ठीक है, और ट्राई करें। और जैसे हमारी बहनें ना छुई हुई, वो नहीं कर सकती इतना सफ़र, तो लेट्स सी अब जब रिज़ल्ट आता है तब देखते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा इनके लिए भी। और बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। और चले इसके बाद हम करते हैं अपनी इफ्तारी की तैयारी। अब मामा को देखते हैं वो क्या बना रही है, बिकॉज़ आज तो मैंने सिर्फ अपनी नींद ही पूरी की है। क्या बना रही हैं आप? काली मिर्च वाले टिंडे। मैंने तो मसाले वाले सुने, तो ये काली मिर्च वाली पहली बार ही हमारे घर बन रहे है ना आज। हांडी, अब हमारे घर न्यू मामा की फेवरेट ये बर्तन हो गया हांडी, ठीक है, इसमें मेरी मामा कुकिंग करती हैं। बस मामा का कहना है कि हांडी में जो है ना वो खाने का टेस्ट ही अलग होता है। सो ये देखिए, अब इसमें ऑयल तो डाला नहीं आपने? ओके, अच्छा अभी टाइम है, तो इफ्तारी चलें इफ्तारी बनाते हैं। गाइस, मैं बनाती हूँ ग्रीन चटनी दही बल्लों के लिए, और मामा यहाँ पे बना रही हैं फ्रूट। मैं मामा की हेल्प कर आ रही हूँ, ये हम बनाएंगे समोसे, ठीक है, क्योंकि आज माशाल्लाह से जुम्मा है, तो आज हमारी आंटी शकीला, उन्होंने भी उनके घर की सब ने रोजा रखा, तो आज तो रमजान ही ज़्यादा कर, ठीक है। दही बल्ले बन गए, ये पकौड़े बन गए, और यहाँ पे हमेशा की तरह रश हो रहा है, ठीक है, तैयारी करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। मेरा मूड आपको बहुत गाइस, अब देखो ये, अब जब जरूरत नहीं होती इसकी तब ये ऑन हो जाता है, जब जरूरत है तब ऑन हो जाता नहीं। चलो मैं अब मैं और मामा जा रहे हैं बाज़ार, क्योंकि जो कपड़ा मुझे चाहिए, ठीक है, वो मिल गया, वो लेने जाना है, ठीक है। आज भी सेकेंड कोशिश है जिस तरह का मेरा है कि मुझे वो कपड़ा मिल जाए, अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल जाएंगे शेरा वाले, ठीक है, पाकिस्तान लार्जेस्ट मार्केट ऑफ क्लॉथ, वहाँ पे चलेंगे। ऑर्गेंजा का कपड़ा नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे हर वैरायटी है, लेकिन ऑर्गेंजा नहीं है जो मुझे चाहिए। मैं चार्जर कपड़ा देखना है यहाँ पे अरबिया के लिए, देखो कि अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा कपड़ा नहीं मिल रहा, इतनी कोशिश कर ली है लेकिन मुझे नहीं मिला। मैं पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिला, मैं जो चीज़ मैं चाह रही हूँ वो मिला नहीं। मैंने इंटरनेट पे देखी थी और वो चीज़ बहुत मज़े की थी। मैं चांद रात की डेकोर के लिए सामान लेने आई, यहाँ पे सामान ही बड़ा महंगा है, दराज से ज़्यादा तो ये महंगा है यहाँ पे। जी नहीं भाई, ऑर्डर करती हूँ वो आउट ऑफ स्टॉक हुई थी, नहीं तो मैंने वहाँ से मंगवा ली थी। कस्टमर के घर गया हूं, ये डेकोरेशन वगैरह करने के लिए, तो डेकोर करते हैं आप? डेकोर करने सामान, चांद रात के लिए मैंने एक थीम सोचा है, उसके लिए मैं ले रही हूँ ये फेरी लाइट्स और ये कैंडल, ठीक है, ये ऑन कैसे होगी, ठीक अच्छी है, क्यूट लग रही है, बड़ी महंगी है यार, लोग के चक्कर में मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा। नई बॉक्स के लिए मैं कुछ अपने लिए वाइट कलर का कुर्सा देखने आई हूँ, सिंपल में, जैसे वो पर्पल लगा हुआ है, वायरलेस ट्राई। आज का व्लॉग इतना था, बंद कर दो। सो आज का व्लॉग इतना ही था, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय बाय, अगला व्लॉग आएगा इसी तरह, ईद की शॉपिंग होगा, जो कि मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा, जब तक मेरा कपड़ा नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए, ठीक है, और तब तक हमारे ऐसे बाज़ार के चक्कर लगते रहेंगे, ठीक है। अभी तो एम्पोरियम जाना है, फिर इचरा जाएंगे दोबारा, और लेबल्टी भी जाएंगे, और ऐसे ही मार्केट में जाती रहूँगी, जैसे ही मुझे मेरा कपड़ा मिलेगा ईद की शॉपिंग मेरी उधर ही क्लियर, ठीक है। और लेट्स सी अब क्या होता है नेक्स्ट, कल देखते हैं कल का व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टाटा।